उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए उनकी अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर ही छोड़ना बेटा है। इसको लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस रहते हैं। दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कनिष्का वंश नोएडा से है जो क्लास 10th में पढ़ती है और आपसे भी पूछना चाहती है कनिष्का। माय नेम इज कनिष्का वंश, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फ्रॉम डीवी पब्लिक स्कूल एनटीसी रांची नोएडा। सो माय क्वेश्चन इज इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग टू कंसेंट्रेट ऑन हर स्टडी बट स्टिल गेट डिस्ट्रैक्टेड so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thanks. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन से ही संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का जो कि बी एच डी से है। आइए सुनते हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। दिस इज प्रणव व्यास फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। I would like to know your experiences on what should one do when we feel overwhelmed and disoriented in whatever we're doing, mainly academics or some passion that we're pursuing, in general, life. क्या डिसोरियंटेड महसूस कर रहा हूँ तब क्या करना चाहिए? टाइम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ये जो दो सवाल थे उनके बारे में कृपया हमें राह दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन ये कोई स्पेशल प्रकार की विधा जिसको हमें सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपसे पता चलेगा वो काम में जब कर रहा था तो दाना।